हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेट एंट्री को लेके एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। क्वेट में एंट्री करने के लिए आप देना पड़ेगा 9 दिनार। किस लिए देना पड़ेगा आज के वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, क्वेट एंट्री को लेके एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया। अब क्वेट में एंट्री करने के लिए 9 दिनार देना पड़ेगा। सबसे पहले 9 दिनार देना पड़ेगा, उसके बाद क्वेट में एंट्री होगा। ये इसलिए लागू किया गया है क्योंकि एक काउंट्री ने क्वेट का ऊपर ऐसा लागू कर दिया था, अगर कोई भी क्वेटी वो काउंट्री में जाता तो उनको $30 पे करना पड़ता एक आदमी के लिए। तो क्वेट में जब नया गवर्नमेंट हुआ है, गवर्नमेंट में ये डिसाइड किया है कि आप ये लोग भी 9 दिनार करके ही लेंगे। चाहे आप एयरपोर्ट की तरह आ रहे हो या सी के तरह आ रहे हो, आप किधर से भी आओ 9 दिनार पे करना पड़ेगा। लेकिन ये हर काउंट्री के लिए नहीं है, ये बस एक ही काउंट्री के लिए है, जो मिस्र का काउंट्री के लिए। जो भी मिस्र का लोग क्वेट में एंट्री करेंगे उन लोगों को ही 9 दिनार पे करना पड़ेगा। बाकी जो लोग आप किसी भी काउंट्री से हो, इंडिया से या किसी भी बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या किसी और काउंट्री से हो, आपको पे करने का जरूरत नहीं है। यह बस मिस्र का लोगों के लिए ही है। उन लोगों के लिए अगर वो लोग एयरपोर्ट की तरफ आएंगे या सी साइड से आएंगे, बाई शिप आएंगे, किधर से भी आएंगे, वो लोगों को 9 दिनार पे करना पड़ेगा। एंड ये रूल्स हर किसी को दिया गया है फॉलो करने के। हर एक ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया गया है जो भी एंट्री के टाइम पे वो लोग से चार्ज लेना है। एंड ऑल्सो गाइस, क्वेट में कार ड्राइविंग को लेके भी एक अपडेट आया है। जो लोग कार लेके आते हैं, जैसे ट्रैफिक लगा हुआ है, वो लोग पीछे से आके बीच में घुस जाते हैं, इन लोगों के लिए भी एक कानून को लागू किया गया है। अगर इन लोगों को पकड़ा जाएगा, ऐसे केसेस में कैमरा भी लगाया जाएगा, इनकेस उनको देखा जाएगा कैमरा में ऐसे करते हुए, तो उनका ऊपर भी फाइन आएगा। जैसे आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ लोग है ऐसा ही करते हैं, पीछे से आके ही बीच में घुस जाते हैं, जहां पे गैप मिलता है वहां पे ही गाड़ी डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कानून को लागू किया गया है। इसलिए आप में से जितने सारे लोग क्वेट में ड्राइविंग करते हैं, आप लोग थोड़ा सावधान हो जाइए। अगर कोई ऐसा करता है तो उनका ऊपर पूरा एक्शन लिया जाएगा, उनका ऊपर फाइन आ जाएगा। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आपके लिए। आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम लिंक एंड टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कीजिए। थैंक यू।